अल्लाम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज आपको रिव्यू करवाता हूँ हीरो मैनेजर का। प्लीज़ वॉच वीडियो। 2004 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2004 एल्युमिनियम बॉक्स में ये हीरो रेंजर्स न्यू शेप का सिक्स स्पीड में एसी के साथ पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और इसका सीसी जो है 7960 सीसी, जो जेएडसी इंजन में आता है। खूबसूरत इसका फ्रंट एलुमिनियम चॉम डिज़ाइन में और साफ क्लीन गाड़ी, बम्पर में फॉग लैंप्स, फ्रंट ग्रिल इसकी और हीनो का बिग बैच जो इसको और खूबसूरत स्लीक डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है। साइड इसके मिरर्स, ये इसके साइड मिरर्स दो होते हैं, एक जो होता है वो फ्रंट के लिए, फिर उसके वाइपर। और इसी तरह इसका इंडिकेटर्स और लेफ्ट राइट दोनों डोर पे भी चोरम की कवरिंग कवर लगाया हुआ है। ये बॉक्स में आता है और हीरा बॉडी में भी होता है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको कौन सा चाहिए। तो ये वाला जो है, अभी जो मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, ये बॉक्स एल्युमिनियम में है, 6 बोल्ट में 17.5 की इसकी टायर हैं। टायर साइज़ का जो है 17.5। इलेक्ट्रॉनिक पंप में ये न्यू शेप का हीनो, न्यू शेप वाले इलेक्ट्रॉनिक पंप में आते हैं। और इसकी अभी चेसिस की कंडीशन चेक करते हैं। ये इसका चेसिस फ्रेम, ये इसकी सिलेंडर्स, चेसिस की इसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट, नीट एंड क्लीन है विदाउट रस्ट के। ये इसके यहाँ पे सारे सिस्टम्स, ये साइड कार्ड, फिर इसी तरह इसकी यहाँ पे ड्राइविंग डोर। देखते हैं अंदर से पावर विंडो, ये इसका साइड डोर कवर, और ये इसकी यहाँ पे क्वेश्चन प्लेट जिस पे चेसिस कोड लिखा होता है, ओरिजिनल कंपनी FT1JLE। प्लास्टिक इसके कवर्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक में, ये इसका स्टीयरिंग एयरबैग के साथ, ये ड्राइविंग में राइट लेफ्ट दोनों पावर विंडो और ऑस्ट्रे, स्पीडो मीटर इसका, ये देखिए इसका स्पीडो मीटर डिजिटल मीटर में 4,36,000 किलोमीटर ये चला हुआ है 2004 में, और अभी तक ये 4,36,000 किलोमीटर चल चुका है। फिर इसी तरीके से इसके मीटर में जो है ना लाइट्स ऑन हैं, और स्टीयरिंग इसका एयरबैग के साथ सिंपल और पावर स्टीयरिंग है ये। इसका एयरबैग स्टीयरिंग के अंदर, इसके वाइपर का यहाँ से ऑन ऑफ करें, वाइपर्स के यहाँ से चलते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बटन दबाने से वाइपर, फ्रंट ग्लास साफ करना, फिर ये ETC मशीन में लगी है। इसी तरीके से रेडियो भी इसका जो है ना वर्किंग, और इसी तरह ये इसके AC के बटन्स, हीटर, नीचे स्विच, फिर ये साइड मिरर जो है लेफ्ट वाला, उसको क्लोज ऑफ करने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन, ये बटन यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर ये राइट साइड पे अगर देखें तो ये भी इसकी जो बटन्स लगे हैं, ये फिर F6 स्पीडर रिवर्स, ये जो उसका है वो बैक की तरफ लगता है। ये इसका रिफ्लेक्टेबल मिरर,
साइड मिरर वाला रिफ्लेक्टेबल है, ऑन ऑफ, तो आपका ये साइड मिरर मूव हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कप होल्डर छोटा सा ये जो है ना इन्होंने दिया है, यहाँ पे कवर जिसमें आप बुक्स या अपनी कोई भी चीज़ इसमें बॉक्स के अंदर रख के, तो एज आर्म रेस्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रूम की लाइट का बटन, रूम लाइट्स ऑन ऑफ, इसी तरह ये इसका ऊपर एक लाइट और दी हुई है जिसको आप ऑन करें या डोर के साथ सेट कर दें। फिर इसी तरीके से इसके पीछे बेड स्पेस रेस्ट करने के लिए इसमें बेड भी है, जब गाड़ी लॉन्ग पे चलती है तो फिर बेड की रेस्ट करने के लिए ज़रूरत भी होती है। ये चलते हैं इसके एक्सटीरियर की तरफ, जाकर देखते हैं कि इसका एक्सटीरियर और पीछे से बॉक्स का इनसाइड दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका यहाँ पे एक छोटा सा टूल बॉक्स, इसमें आप इसका जैक वगैरह, टूल्स, टायर चेंज करने के लिए लगाते हैं। इसके तरीके से इसके टायर और टायर के ऊपर टायर कवर्स, टायर गार्ड, और ये जो साइड पे स्टील की लगी हुई है ये साइड सेफ्टी गार्ड। फिर इसी तरीके से ये इसकी बैक साइड से इसका ये बैक का डोर, साढ़े 7 इसकी जो है ना पूरी लेंथ है केबल को छोड़ के, इसकी 2x2। और इसको ये पीछे यहाँ पे ब्रेक लाइट्स, नंबर प्लेट लेफ्ट साइड पे लगी हुई है, और ये 3 लाइट्स की राइट पे, 3 लाइट्स की लेफ्ट पे। फिर इसी तरीके से ऊपर डोर लॉक्स आ जाते हैं, जब डोर ओपन करेंगे तो लॉक्स को अनलॉक करना, फिर पुल करके आप ओपन करें और अंदर से इसकी कंडीशन, ये इसकी इनसाइड रूम की कंडीशन बेहतरीन, बिल्कुल लश, नीट एंड क्लीन। एल्युमिनियम में, नीचे इसकी जो है ना फर्श जो है वो वुडन में है, और साइड इसकी टोटली एल्युमिनियम में, ऊपर से भी एल्युमिनियम। और फिर ये यहाँ पे इसकी बटन से लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी एक डोर का ऑप्शन दिया है। ये इसका डीजल टैंक, ये इसका डीजल टैंक है, और इसके साथ ही ऊपर एक लेफ्ट डोर उन्होंने और दिया है। यहाँ पे इसकी 2 बैटरीज इंस्टॉल हैं, फ्रेम बिल्कुल साफ, बैटरीज कंडीशन भी ओके। ये इसका केबन लॉक, यहाँ से केबन को लॉक अनलॉक करके इसको केबन ओपन किया जाता है। पहले इसकी पिन निकालें, फिर इस लॉक ऊपर इसको पुल करने से आपका केबन खुल गया है। तो ये है इसका इंजन, ये इंजन की कंडीशन, केबन की कंडीशन विदाउट रस्ट। ये इसका सारा फंक्शंस यहाँ पे, इंजन का साउंड भी आप चेक करें, परफेक्ट साउंड, नॉर्मल और क्लियर गाड़ी है, हर चीज़ इसकी अपनी परफेक्ट है। ये इसका फ्रेंड्स, ये था फिर हिनो रेंजर का रिव्यू। अगली वीडियो के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।